इस अस्पताल की ये इमरजेंसी की व्यवस्था है। इमरजेंसी क्या मतलब है, इन लोग को ये मतलब नहीं मालूम है डॉक्टरों का, ये लोग देखने तक नहीं आए सर, हम रोते रहते रह गए। अच्छा ये हमारे पास ये मरीज है, मैंने सुबह लेके आया, उसको बोल रहे थे बाहर आप लेके दीजिए, किसी चाय के साथ ले जाइए, रूम में सारा टाइम पास होता है। सर मैडम टीका लेने वहाँ जाने को बताइए, 5 बजे से कर दी और इतना सीरियस पेशेंट को डॉक्टर देखने ना, 1 बज रहा है, केवल 1 बज किसी पर्स लेने का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। अस्पताल में यह हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग कातिल बन गया है। जिला अस्पताल में एक लड़की ने दवा के अभाव में दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में लड़की दर्द से कहरती रही और डॉक्टरों की टीम मदमस्त होकर नजरअंदाज करती रही। पिता पत्थर दिल डॉक्टरों से अपनी बेटी की जान की भीख मांगता रहा लेकिन सफल नहीं हुआ और उसके सामने ही उसकी बेटी ने सांसें तोड़ दी। हैरानी वाली बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुल्तानपुर के प्रभारी हैं, फिर भी स्वास्थ्य सिस्टम का हाल क्या है, एक बाप के दर्द को सुनकर जाना जा सकता है। लापरवाही किया है ये लोग, मैं 6 बजे से इन लोगों को चिल्ला रहा था, जितने डॉक्टर थे यहाँ नर्स थे मेरा एक बात नहीं सुना, बच्चे के रो रहे थे, हम रो रो के कहा इसका इलाज करिए, लेकिन कोई भी ऐसे पकड़ के छोड़ दिया नारी, ये अपने सिस्टर को भी नहीं कहा कि मैंने इसको आकर एक इंजेक्शन या सुई लगा दो, कुछ भी नहीं कहा सर इन लोगों ने। इतनी इस जिला अस्पताल में इतनी व्यवस्था होते ही समय ये लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। इस अस्पताल की ये इमरजेंसी की व्यवस्था है, इमरजेंसी क्या मतलब है, इन लोग को ये मतलब नहीं मालूम है डॉक्टरों का कि इमरजेंसी में कोई मरीज आए उनको जो है कैसे तरीका किनका इलाज किया जाए। क्या हुआ था आपकी भांजी को? भांजी को सर उसके सांस की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, ये लोग 6 बजे से भर्ती किया, ये लोग एक इंजेक्शन बाहर से मंगवा कर लगा दिया 2 इंजेक्शन, उसके बाद ये लोग देखने तक नहीं आए सर, हम रोते रहते रह गए, लेकिन ये लोग मेरे पास आए नहीं कि हाँ मेरे मरीज के पास मैं इनको सुई इंजेक्शन या ऑक्सीजन लगा कर कम से कम आला इनको चेक कर लूँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई जवाब नहीं दिया है लोग सर। डॉक्टरों की लापरवाही, डॉक्टर की एकदम पूरी लापरवाही सर, यहाँ जिले की पूरी मेरे जिले अस्पताल की लापरवाही है। किसी मरीज मान लो सर किसी गरीब के साथ खिलवाड़ करना ये गुनाह है। हालांकि हंगामे की सूचना मिलते ही प्रभारी CMS डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल मौके पर पहुंचे और बालिका की मौत के मामले में डॉक्टर आर धीरेन्द्र और स्टाफ नर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर की बर्खास्तगी को लेकर CMS ने कहा ये मेरा अधिकार में नहीं है। हमारे संज्ञान में आया है एक गंभीर मरीज जो है शिवांगी 7-15 साल की यहाँ भर्ती हुई थी आज सुबह 6 बजे, जिसकी मौत अभी हुई है 1:15 के आसपास में, और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे फिजिशियन वहाँ के स्टाफ नर्स से दोषी पाई जा रही है। स्ट्रेचर की बात करें तो यहाँ स्ट्रेचर एक भी नहीं, यहाँ यहाँ पर स्ट्रेचर टूटी हुई थी बनाने गई हुई थी और आज आ गई है। सस्पेंशन सर क्या किसी को किया गया अभी? नहीं, सस्पेंशन हमारे करने का अधिकार नहीं मेरे पास है, मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा, CMO साहब को अवगत कराऊंगा और अपने प्रमुख सचिव को अवगत कराऊंगा। आपको बता दें कि चांदा थाना क्षेत्र रेतवा देवाड़ गाँव की रहने वाली शिवांगी की तबीयत खराब थी, जिसके बाद परिजन उसे आज सुबह 6 बजे जिला अस्पताल ले आए। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिवांगी को भर्ती कराया गया था। शिवांगी के तीमारदारों का आरोप है कि उसे सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन यहां के डॉक्टरों ने उसका ठीक से इलाज नहीं किया, जिसके चलते शिवांगी की मौत हो गई। NTTV भारत के लिए सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।